गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सुधाकर सर एंड टुडे आई डिस्कस टू यू क्लास सेवेंथ मैथमेटिक्स चैप्टर फाइव लाइंस एंड एंगल्स। स्टूडेंट्स, आपने पिछली कक्षा में लास्ट इन क्लास सिक्स यू आई टीच टू यू अबाउट लाइन एंड लाइन सेगमेंट। पिछली कक्षाओं मैंने आपको लाइन और लाइन सेगमेंट्स के बारे में बताया था। क्लास सिक्स में आपने सीखा था कि व्हाट इज लाइन सेगमेंट एंड एंगल्स के बारे में भी आपने सीखा था, एज अ स्केलन एंगल, आइसो स्केलन एंगल एंड इक्विलेटरल एंगल्स, राइट एंगल, अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। बट I teach to you class 7th class chapter 5 lines and angles, the topic of complementary angle, supplementary angle, adjacent angle। Students, मैं आपको यहाँ पे complementary angles के बारे में बताऊंगा, supplementary angle के बारे में बताऊंगा, adjacent angle के बारे में बताऊंगा। Today I teach to you three topics only। तो first topic है complementary angle। अब हम टू एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे बोल सकते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, पहले हम सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। टू एंगल्स हैं, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कैसे बोलते हैं। सपोज द हमारे पास टू एंगल हैं, मैंने इस एंगल का नाम दिया 30 डिग्री। समझिएगा, अब मेरे पास एक और एंगल है, इस एंगल का नाम दिया 60 डिग्री। अब मैं आपसे पूछूंगा क्या ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं कि नहीं हैं? तो आप कहेंगे यस। क्यों यस बोलेंगे, क्यों नो बोलेंगे, इसका डिसीजन आप लीजिए। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में पहला एंगल 30 डिग्री का बना है, दूसरा एंगल 60 डिग्री का बना है, और इन दोनों को जो सम है वो 90 डिग्री हो रहा है, 30, 60, 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंगल की डिफिनेशन ये होती है, व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। जब दो एंगल्स का जो योग होता है वो 90 डिग्री का होता है, द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो एंगल्स क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। क्या होती डिफिनेशन, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, देन द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब जब दो, ये जो पहला 30 डिग्री दूसरा 60 डिग्री के बना है, इन दोनों का जो सम है अगर 90 डिग्री होगा, तो ये बोथ एंगल जो 30, 60 है, ये कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीट। अब जैसे मैंने यहाँ पे 35 डिग्री सपोज द एक एंगल मैंने बनाया, इसको मैंने दे दिया 35 डिग्री, और दूसरा मैंने बनाया, इसको मैंने दे दिया 65 डिग्री। अब अगर मैं इन दोनों के बारे में पूछूंगा 35 डिग्री एंड 65 डिग्री, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो आप इनको सॉल्व करने के लिए सम कर देंगे 35 डिग्री प्लस 65 डिग्री, जब इनको प्लस करेंगे 5, 5, 10, 0, 6, 3, 9, 1, 10, तो 100 डिग्री मिल रहा है। जब ये 100 डिग्री मिल रहा है, इट इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। बट 30 एंड 60 का एडिशन करने पर क्या मिल रहा है, 90 मिल रहा है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की डिफिनेशन होती है, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज द 90 डिग्री। मतलब यदि हम किसी नंबर का योग करते हैं, किसी भी एंगल का योग करते हैं और उनका जो सम है वो 90 डिग्री आता है, तो ये कौन सा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसके बारे में डिफिनेशन लिख लीजिए, व्हेन द
sum of when the sum of the measure of the measure when the sum of the measure of two angle is 90 degrees the angle are called complementary angle. When the sum of the measure of two angles, जैसे first angle 30 and second angle 60, example इसमें लिख लीजिएगा. Example में आपका जो first angle है 30 का है और second number 60 का है और फिर क्या था sum of the measure of two angles, इन दोनों का sum करेंगे तो क्या मिलेगा, इज 90 degree. 90 degree मिला कि नहीं मिला. द एंगल आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और वह एंगल हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिफिनेशन हमारी है सप्लीमेंट्री एंगल्स की. किसकी है? सप्लीमेंट्री एंगल्स की. तो सप्लीमेंट्री एंगल्स की डिफिनेशन देखते हैं. सेकेंड टॉपिक है सप्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री एंगल. अभी सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है पहले इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री में व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 90 degree इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. बट इसमें थोड़ी सी आपको अलग मिलेगा. स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया था, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 90 degree इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. अब इसमें आप ये पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री में कि व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 180 degree. उसमें आप पढ़ते थे टू एंगल का अगर सम होगा तो 90 degree होगा तो वह क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री. बट इसका ये थोड़ी अपोजिट है, इसमें सम ऑफ द टू एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, 180 degree. तो ये नंबर कौन सा होगा, सप्लीमेंट्री एंगल. इसकी डिफिनेशन जस्ट उसकी अपोजिट है. लिखेंगे व्हेन द सम ऑफ द sum of the two angle is 180 degree. When the sum of the two angle is 180 degree, the angle are called the angle are called supplementary angle. तो जस्ट उसकी अपोजिट, उसमें क्या होता है, सम ऑफ द टू एंगल इज 90 degree कॉम्प्लीमेंट्री का,
सप्लीमेंट्री में बताता है कि सम ऑफ द टू एंगल इज 180 डिग्री, क्या बोलता है 60 एंड 120 अगर प्लस करते हैं 180 डिग्री, अगर ये पूछा जाएगा क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो आप बताएंगे यस इट इज सप्लीमेंट्री एंगल बिकॉज द सम ऑफ द बोथ एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो दैट इज अ सप्लीमेंट्री एंगल। फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में और क्या आप जानते हैं, इसमें बोलता है सच पेयर आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, व्हेन टू एंगल आर सप्लीमेंट्री ईच एंगल सेड टू बी सप्लीमेंट, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं, व्हेन टू एंगल आर सप्लीमेंट्री ईच एंगल सेड टू बी सप्लीमेंट ऑफ द एंगल, तो ये प्रत्येक एंगल सप्लीमेंट कहे जाए ये एक दूसरे के सप्लीमेंट कहे जाएंगे, 60 डिग्री का एंगल जो है 120 डिग्री का सप्लीमेंट होगा, 120 डिग्री जो एंगल है वो 60 डिग्री का सप्लीमेंट माना जाएगा। अगर आपसे यहाँ पे बोल दिया है सपोज एक एग्जांपल और देख लीजिए, ये बन गया है 135 डिग्री और ये बन गया है 70 डिग्री, अब इन दोनों को बोलता है क्या ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं 70 डिग्री 135 डिग्री, तो आप बताएंगे कि जी नॉट अ सप्लीमेंट्री एंगल बिकॉज इनका जो एड होगा सम होगा वो आपको कितना मिलेगा 5 7 3 10 का 0 2 1 1 2 205 डिग्री, और 205 डिग्री जो है 180 डिग्री से अबव है, तो ये जो है आपका ये वाला टर्म ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है बट ये सप्लीमेंट्री एंगल आपका है। तो ये हमारी हुई सप्लीमेंट्री एंगल्स की डिफिनेशन। आफ्टर दैट मैं आपको पढ़ाऊंगा एडजेसेंट एंगल। स्टूडेंट्स आपने क्या है क्लास 6 मैथमेटिक्स में चैप्टर 5 में ही एडजेसेंट एंगल एडजेसेंट लाइन के बारे में पढ़ा हुआ है, एडजेसेंट एंगल। क्या पढ़ाएंगे आपको एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है इसमें आपकी डिफिनेशन कहती है सच पेयर्स ऑफ एंगल आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल adjacent angle have a common vertex and a common arm but no common interior point. Adjacent angle के बारे में बताता है such pair of angle are called adjacent angle, कहता है जो angles की कुछ pair जो एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एडजेसेंट एंगल के लिए मैं बुक ले लिया हूँ, ये बुक के बीच में जो बना हुआ एंगल यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये आपका एडजेसेंट एंगल होगा। ये बुक देख रहे हैं और बुक के बीच में आपको यहाँ पे जो एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है ये आपका एडजेसेंट होगा। ये देखिए एंगल यहाँ पे ये बन रहे हैं जो पेज के बीच में ये आपके होंगे एडजेसेंट एंगल। फिर आपने पुस्तक देखी होगी, पुस्तक में मैंने आपको दिखाया कौन सा एंगल एडजेसेंट बन रहा है, जैसे कि मैंने पुस्तक ले ली
अब पुस्तक में ऐसे एंगल्स बना दिए। अब यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। ये दोनों एंगल्स क्या बताते हैं कि ये क्या है, एडजेसेंट एंगल। बन रहा है एंगल कि नहीं बन रहा, आप देख सकते हैं। एक ऐसे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल की एग्जाम्पल को बता रहे हैं। फिर एडजेसेंट एंगल के बाद आप देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। पहले दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, एडजेसेंट एंगल में कॉमन वर्टेक्स होता है। चलिए बनाता हूं मैं आपको, एक दिखाता हूं एग्जाम्पल में। एक कॉमन वर्टेक्स होता है, एडजेसेंट एंगल। इसका ओ नाम दीजिए, इसका ए, ओ ए पी। आपने एडजेसेंट एंगल हैव अ कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन वर्टेक्स, ये कॉमन वर्टेक्स हो गया। कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म मैंने ले लिया, बट नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट, लेकिन कोई भी कॉमन इंटीरियर पॉइंट नहीं होता। सपोज द ये एंगल वन है और ये एंगल टू है, तो ये हमारे बताते हैं कि एडजेसेंट होगा। एडजेसेंट एंगल में आपको मैंने बताया एक कॉमन आर्म हुई, एक कॉमन पॉइंट हुआ, दे हैव नॉन कॉमन आर्म एंड आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, तो ये हमारा क्या हुआ, एडजेसेंट एंगल। दूसरा एडजेसेंट एंगल, जैसे मैंने एक एंगल्स बनाया है यहाँ पे, ये तो ये हमारा जो है, ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स को प्रदर्शित करते हैं, एंगल वन एंड एंगल टू। तो ये आपका क्या हुआ, एडजेसेंट एंगल, क्या हुआ, एडजेसेंट एंगल। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल एंड एडजेसेंट एंगल पढ़ाया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको लीनियर पेयर एंड कॉमन वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ाऊंगा, आफ्टर दैट एक्सरसाइज 5.1 पे चलूंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें एंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।